यहाँ पर मैंने कुछ मसाले ले लिए हैं और आज मैं बनाने वाली हूँ दही धुआं चिकन, जो कि बहुत ही ज्यादा मजेदार और लजीज रेसिपी है। यहाँ पर हो गए कुछ मसाले और ये रही हमारी चिकन। चिकन की अभी हमें स्किन उतारनी है और इसे वॉश करना है। यहाँ पर ले लिए मैंने दही, 2 गिलास दही के मैंने ले लिए हैं, लेकिन मैं बाद में देखूंगी कि मैंने कितनी डालनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो मेरे पास मसाले है ना, इनको हल्का सा हम फ्राई कर लेते हैं। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसमें सूखा धनिया। सूखा धनिया डालने के बाद मैं अभी डालने लगी हूँ काली मिर्च, साबुत काली मिर्च है। यहाँ पर है मेरे पास जीरा, दालचीनी, सब्ज इलायची और लाल मिर्च। तो इन मसालों को मैं हल्का सा भून लेती हूँ, लेकिन इनको ना हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे ही भूनना है। मसालों को मैंने भून लिया था और उसके बाद मैंने इन्हें रख दिया था ठंडा होने के लिए, तो अभी ये ठंडे हो गए हैं। तो अभी हम बनाने लगे हैं इनका पेस्ट। मसाला हमारा देखें इस तरह से बन चुका है। मसाला यहाँ पर हमारा पिस चुका है और यहाँ पर है मेरे पास ब्राउन प्याज, ये मैंने फ्राई कर लिए थे प्याज और मैंने टिश्यू रख दिया था इसके नीचे। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे अदरक और लहसुन को भी कूट लिया है, लेकिन हम ये अभी प्याज भी इसमें डालेंगे और ये अदरक लहसुन जो हमने कूटा हुआ है वो भी इसी में डालेंगे। अदरक और लहसुन का पेस्ट डालने के बाद अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल रही हूँ, ताकि हमारा जो पेस्ट है ना वो अच्छा सा बन जाए। तो अभी हमारे पास आ गया है चिकन। चिकन की मैंने स्किन उतार के इस वॉश करके इसे मैंने रख दिया था फ्रिज में। और यहाँ पर देखिए हमारा जो मसाला है वो भी पिस चुका है। साथ ही साथ मैं 3 टमाटर लिए हैं बड़े और उनका पेस्ट बना लिए हैं। इसके अलावा यहाँ पर है हमारे पास दही। अभी मैं डालने लगी हूँ इसमें नमक और यहाँ पर मैंने लिए हैं थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, टमाटरों का पेस्ट, दही। अभी हम इस सारे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करके हमने रखना है इसे आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद फिर हम देखते हैं कि आगे क्या करना है। मैं इसमें हल्दी डालना भूल गई थी, तो अभी मैं इसमें हल्दी डालने लगी हूँ। आधा घंटा से 40 मिनट हो गए हैं इसको रखे हुए, तो अभी मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया है और बस जल्दी जल्दी से अभी हम बनाते हैं अपनी दही धुआं चिकन। यहाँ पे मैंने पैन रख दिया है, पैन में मैंने घी भी डाल दिया और घी हमारा गर्म हो चुका है। चिकन सारी मैंने डाल दिए, यहाँ पर मेरे पास मसाला बचा हुआ है। थोड़ी देर तक हम ये सारा मसाला इसमें ऐड कर देंगे। चिकन यहाँ पर हमारी अच्छे तरीके से भून चुकी है। यहाँ पे आप सबको साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो घी है किस तरह से सेपरेट हो गया और जो मसाला था वो हमारा कैसे सेपरेट हो रहा है। तो यहीं से हमें पता चल जाता है कि हमारी चिकन जो है वो अच्छे तरीके से भून चुकी है। तो अभी मैं इसमें पानी डालने लगी हूँ। पानी डालने के बाद अभी मैं दे देती हूँ ढक्कन। तो यहाँ पर हमारा चिकन का सालन बनके तैयार हो गया है। अभी हम देखते हैं कि इसके बाद हमने क्या करना है। यहाँ पे मैंने कुछ हरी मिर्ची कट कर ली है और साथ ही यहाँ पे मैंने कुछ पुदीने के पत्ते भी ले लिए हैं, हरा धनिया भी मैंने कट कर लिया है। तो अभी इन सबको मैं करती हूँ एक साइड पे फिलहाल के लिए बस, लेकिन हमें ये काम आने हैं। चिकन हमने यहाँ पे डाल दी है और यहाँ पर ले लिया है मैंने दही, इसे अच्छे तरीके से फेंट लिया और इसमें मैंने हल्का सा नमक भी डाला है। और यहाँ पर फिर से हमारे पास हरी मिर्ची, हरा धनिया और पुदीना आ गया। तो यहाँ पर हमारी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, लजीज और मजेदार धुआं दही चिकन जो है ना वो तैयार होने वाले है कुछ ही देर में। और यहाँ पर मैं आप सबको इसका कलर दिखा रही हूँ कि कलर इसका कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। अभी रह गया हमारा लास्ट प्रोसेस, वो हमने करना है इस डिश का। और यहाँ पर हमने रख दिया है एक कोयला और इसके ऊपर हम डाल देते हैं थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और अच्छे तरीके से हम इसको कवर कर देते हैं दूसरी डिश के साथ, ताकि इसका जो धुआं है ना वो हमारी धुआं दही चिकन को अच्छे तरीके से मजेदार बना दे। और यही इसका लास्ट प्रोसेस होता है, इसी की वजह से इसे धुआं दही चिकन कहा जाता है। आप इसे मटन में भी बना सकते हैं, आप इसके साथ कबाब भी बना सकते हैं, इसके साथ कई सारी डिशेज हैं आप बना सकते हैं इस तरह की।
यहाँ पर हमारी मजेदार लजीज दही धुआं चिकन बनके तैयार हो गई है। इजी रेसिपी है, ज्यादा इस पे टाइम भी नहीं लगा। और जैसे डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज हम चिकन से करते हैं, किसी और चीज से, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं इस तरह का कुछ ना कुछ करती हूँ। और वैसे बच्चों को जो है ना, मेरे बच्चों को स्पेशली चिकन बहुत पसंद है। जब मैं कुछ ऐसे डिफरेंट करने की कोशिश कर रही हूँ, सोचती हूँ कि आप सबके साथ भी शेयर करूँ। अच्छा लगता है आप सबके साथ शेयर करना, और मुझे खुद कुकिंग का स्पेशली बहुत ज्यादा शौक है। अभी बस चलते हैं, जाके दस्तरखान लगा हुआ है, मोना ने लगा दिया, जाके बिस्मिल्लाह करते हैं और ये अपना मजेदार सा खाना खाते हैं। मलाल भी आ गई दस्तरखान पे। आज ना मुस्तफा की तबीयत ठीक नहीं है, इसकी आंख में बहुत ही दर्द हो रहा है, इसलिए ऐसे बैठा है। इसे मैं अभी जबरदस्ती उठा के लेकर आई हूँ कि उठो और खाना खा लो। थोड़ा थोड़ा उधर हो जाओ। जब मुस्तफा ने आंख खोली थी ना, वाइट आंसू निकल गए थे। इसको देखो, अभी से इसने दस्तरखान वहाँ से, ये देखो कैसे कर दिए। आपने ये आप क्या कर रही हो दस्तरखान के साथ? आप उठो, वहाँ पे चले जाओ, उठो, यहाँ से मोना बैठेगी। आप थोड़े से उधर हो जाओ, थोड़े से साइड पे उधर हो जाओ। इसलिए तो आप रो रही थी, है ना। खाना हमने खा लिया, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज्यादा मजे का बना था, पेट भर के सबने खाना खाया। और ये देखिए मलाक के हाथ में क्या है, मलाक रोटी खा रही है आराम आराम से, है ना। मलाक छोटा सा बच्चा क्या कर रहा है, कैसे इसने दस्तरखान को गिरा दी, रोटी गिरा दी। जैसे मैं यहाँ पर आई हूँ ना, ऐसे ऐसे अब से अपना हाथ करके ना दस्तरखान को खींच रही थी अपनी तरफ। इसकी छोटी छोटी जो हरकतें हैं ना, ये छोटे से बच्चे की, मोना को देख रही की मोना कैसे खा रही है, सबको देख रही थी कैसे सब खा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, कैसे हम सब, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक और व्लॉग के साथ हमारे रूटीन का आगाज हो चुका है। दुआओं अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक हम सबको दुनिया और आखिरत की खैर अता फरमाए, आमीन या रब। अभी हम जा रहे हैं मार्केट, मार्केट से हमें उठाना है लैपटॉप, जो कि तकरीबन एक वीक गुजर चुका है। और आज उनकी कॉल भी आई है कि जो हमने ऑर्डर किया था वो आ चुका है, और उसकी जो सेटिंग हमने करवाई थी सेटिंग उसकी हो चुकी है। तो इसलिए मैं तैयार हो गई हूँ और लेने जा रहे हैं लैपटॉप। तमन्ना सॉरी मोना जो है ना, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि कब मेरे हाथों में लैपटॉप आए, कब मैं उसे चलाऊँ, कब मैं उसे देखूँ, क्योंकि जाहिर है वो बच्चों के पास पहली बार आ रहा है। जब भी हम कोई चीज़ पहली बार देखते हैं, पहली बार हमारे हाथ में आती है और हमें पता होता है कि ये पर्सनली ये चीज़ मेरी है ना, तो उस चीज़ का जो है ना वो अलग ही एक्साइटमेंट होती है कि हाँ ये चीज़ मेरी है, इसे मैंने चलाना है। और फिर ये भी होता है कि फर्स्ट टाइम है आपके लिए। और कब से मुझे कह रही है कि आज उनकी कॉल आई तो आप जाओ जल्दी से जाकर लेकर आओ। मैंने कहा हाँ हाँ आपके पापा आ जाएं फिर जाएंगे। मैं बाहर आके ना फिर वापस चली गई थी ये बिल लेने के लिए। ये बिल था, अगर ये ना होता ना हमारे पास तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला था, क्योंकि ऑर्डर भी और पेमेंट भी सब कुछ इसी में है। अभी हम पहुंच गए हैं एक्स्ट्रा मार्केट के बिल्कुल बाहर हैं। अच्छा दिन में इतनी गर्मी होती है ना, जब पहले लास्ट वीक हम आए थे ना मार्केट, तो उस वक्त भी यहाँ पे बहुत ठंडी हवा चल रही थी। और वैसे ये जगह भी ना बहुत ही ज्यादा खुली है, शायद इस वजह से भी यहाँ पे हवा लगती है। और अभी भी यहाँ पे ठंडी हवा चले, लग ही नहीं रहा कि गर्मियों का मौसम है। तो फाइनली लैपटॉप जो है ना वो हमारे हाथ में आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, लेकिन मेरी खुशी से ज़्यादा ना बच्चों की खुशी है, और जाहिर है मुझसे ज़्यादा वो खुश होंगे क्योंकि उन्हें ज़रूरत है। चल रही है, सारे जो है ना सोए हुए हैं मजे से। मलाक का स्विंग भी इसी रूम में लेकर आ गए। अभी कुछ देर पहले मुस्तफा गया अपने पापा के साथ और ये अपनी आईज की मेडिसिन ले आया है। हेल्प करो। क्या कह रही हो आप इसको? और ये क्या किया हुआ है आपने? पागल हो गई है। आप तो चुड़ैल। तो ये मलाक को हंसाने के लिए आपने ऐसे बनाया अपना फेस? नहीं नहीं हंसाने के लिए इसने पता लगाया क्या हुआ है, वो फेस वॉश नहीं होता। नहीं नहीं फेस वॉश नहीं है, लिपस्टिक है ये, पता है व्हाइट लिपस्टिक, व्हाइट भी उसके बारे में येलो भी, हल्दी लगाई है। नहीं ये भी लिपस्टिक है, येलो भी, येलो लिपस्टिक है, दोनों लिपस्टिक है। कितनी बदतमीज हो गई है।
मैं नहीं डरने वाली हूँ, जब मैं नहीं डरूंगी। मुझे इसकी शक्ल को देख के हंसी आ रही है और ये कह रही है कि सब डर रहे हैं। वो देखो मलाक डर गया, मलाक डर गया, आपको डरा ही गया। जबरदस्ती ना मैंने अभी हानिया को भेजा कि जाके ना अपना फेस वॉश करके आओ, मलाक को डर लग गया। अजीब अजीब सी वाकई, अजीब अजीब सी हरकतें करती है, क्या लगा लेती है, कभी क्या लगा लेती है। बेचारी मोन झोली का आ गई। नहीं अभी तक फेस वॉश किया ना हानिया आपने, हानिया बहुत बुरी बात है। जाओ अब जब पापा वॉशरूम से निकलेंगे मैं पापा को डराऊंगी। ये सबको डरा रही है जब से इसे ऐसे बनाया हुआ है। फिर मैं अलग डरी हुई है, जाओ यहाँ से, जाओ मैं रो रही को डराऊंगी। ये नहीं डर, क्यों नहीं डर, मैंने मेहनत बर्बाद कर दी। मैं आपको लिपस्टिक का पैलेट दिखाती हूं। नहीं मोना ये ना दरअसल अभी जो नींद से उठी है ना इस वजह से ये रो रही है। हम गए हुए थे लैपटॉप लेने के लिए और जैसे है ना ये सारे सोए हुए थे, अभी ये नींद से उठे ना मुझे ऐसा लगता है ये डिस्टर्ब लग रही है। ठीक है ये अभी देखो आवाज सुन रही हो, डरा रही है अभी भी सबको। ये सोते हुए इतना तंग करती है ना मैं आपको क्या बताऊं। अच्छा मोना अभी आपका लैपटॉप आ गया, अभी मैं आपको देने वाली हूं, आप अनबॉक्सिंग करो उसकी। वैसे क्या फीलिंग है आपकी? आपको मेरे फेस से नजर नहीं आ रहा? बहुत ही ज्यादा मोना खुश है, बहुत ज्यादा। अच्छा यहाँ पे जो है ना लड़ाई हो रही है कि लैपटॉप मेरा, लैपटॉप मेरा, लैपटॉप मेरा, मैं चलाऊंगा, मैं चलाऊंगा, मैं चलाऊंगा। अरे एक रियाज एक मिनट का, अब मैं ये वीडियो बना रही हूँ। अब तो वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम लोग करने वाले अपनी बहन के लैपटॉप का, लैपटॉप की अनबॉक्सिंग जो है हवा में मैटबॉक से। आँख कैसे बंद की, आँख में दर्द, इसकी तबीयत खराब है, लेकिन ये अनबॉक्सिंग करने आया है। ये रहा मेरी मोना का लैपटॉप, इसने वादा किया था मुझे एक घंटा देगी। अच्छा प्रॉमिस किया है, एक दिन एक। चलो जल्दी से ना इसको आप अनबॉक्स करो जल्दी से। हुआवे मैटबॉक ये मैं भी यूज करूंगी। हानिया 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 नहीं यूज करेगी, नहीं करेगी हानिया को। अरे वाह, एक हाथ से आप ही का देख हाथ से मेरे शुभ शुभ हाथ शुभ शुभ हाथ। आराम से निकालो, क्या हो गया इतनी भी जल्दी नहीं है। इसके साथ इसके गारंटी कार्ड है और ये इसकी तार और ये इसका प्लग। स्पेस ग्रे, हाँ सॉरी, अच्छा ग्रे है, ग्रे नहीं है, ग्रे कलर है। ये ऑन मैं करूंगा हानिया से, करीब से दिखाओ कलर कितना प्यारा है, देखो माशाल्लाह। नहीं ये ऑन मैं करूंगा, एक मिनट एक मिनट। साथ मोना को करना प्लीज, भाई भाई भी ऐसे एक्साइटेड है ओपन करने के लिए। अच्छा मोना को करने दो मोस्टो प्लीज। मैं कैमरा मैन बनी हूँ वरना मैं भी खोलती। ये तो मैं हाँ बस आराम से आराम से आराम से इधर। अरे यहाँ तो सही, यहाँ पे रखो ना ऐसे, एक मिनट इसके ऊपर रखो। अरुण माउस नहीं लिया, माउस को छोड़ो, मुझे जरूरत ही नहीं है, बस यहाँ से दिखाओ ऐसे। अब इसमें साइन इन करते हैं, किसका अकाउंट डालना? मम्मा का। साइन अप की भी जरूरत ही नहीं है, मैं मम्मा का डालेंगे, फिंगरप्रिंट भी मम्मा की लगेगी। मम्मा फिंगरप्रिंट रूहानी दिखाओ यहाँ से, फिंगरप्रिंट भी मम्मा की लगेगी। मैं बोल रहा हूँ नेट ऑन करो भाई, इसके ऊपर कनेक्ट होता है, ये देखो ही देखनी है। मोना भी हाथ हटाओ, ये देखो यहाँ से कनेक्ट भी होता है मोबाइल से। इसमें एक गिफ्ट है, एक मिनट, एक एक बंदे का ना हाथ नहीं आ रहा। मुस्तफा मोना आप सब उनकी खुशी का लेवल चेक करेंगे। मम्मा फिंगरप्रिंट आपकी लगेगी, कोई भी आपसे खुलवा सकता है। मोना आपकी की नहीं लगेगी, मम्मा की लगेगी। पहले अपनी आंख से करवा लो फिर इस लैपटॉप को देखना। मोना आप ही, मुझे बहुत खुशी हो रही है, आज आपका पूरा ड्रीम पूरा हो चुका है। खुशी साथ साथ मुझे भी हो रही है, याद मैं खुद भी आज ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बल्कि थी कि मम्मा जब गई हुई थी लेने से, और मैं कब से मैं, मुझे हाँ। ये कह रही थी कि ना मम्मा उनकी कॉल आ गई, आप कब जाएंगे, आप कब जाएंगे। मैं क्योंकि पिछले वन वीक से तो हम वेट, मैं वेट कर ही रही थी, बल्कि हम सारे वेट कर रहे थे, तो अभी आ गया, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अगले साल मुझे भी लेके देंगी ना? हाँ ले दूंगी आपको। और आपका भी मम्मा बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया मम्मा। या फिंगरप्रिंट पापा की लगेगी या मम्मा की लगेगी? मैं अपनी फिंगरप्रिंट लगाऊंगी। नहीं मम्मा की लगेगी। नहीं नहीं वैसे नहीं, मम्मा की लगेगी। हमारे आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करने लगे। हमारा आज का व्लॉग आप सबको कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें,
बहुत ही ज्यादा मुझे खुशी हो रही है मोना को खुश देखकर, और मुझे इसलिए खुशी हो रही है कि इससे मेरी बच्चियां आगे बढ़ेंगी एजुकेशन में, और इन्होंने काफी सारे कोर्सेज, जैसे इसने तमन्ना ने सोचा हुआ था कि हमने ये कोर्स करना है, हमने वो कोर्स करना है, तो काफी कुछ जो है ना इन्होंने सोचा हुआ है, इसने भी तमन्ना ने भी, तो उसके लिए इन्हें इन चीजों की जरूरत है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि जो है ना मैं जितना भी हो सके मैं अपने बच्चों की जो है ना वो हेल्प करूँ उन्हें आगे बढ़ने में, और इंशाल्लाह मेरी दिल से दुआ है कि मेरे बच्चे कामयाब हों, मेरे बच्चे बहुत आगे जाएं और मुझे इनके ऊपर फ़ख्र महसूस हो। तो बस इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अपनी ढेर सारी दुआओं में हमें याद रखें, और मेरे बच्चों की कामयाबी के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।